नरसिंहपुर जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जहां बीते दिनों जिले के गांधी चौराहा पर फ्लैग्स लगाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की फोटो पदनाम लिखा गया था। वहीं करेली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में समर्थकों ने नरसिंहपुर व गाडरवारा से रैली भी निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी की शिकायत अपना दल के जिला अध्यक्ष केपी दुबे और उनके समर्थकों ने जिला निर्वाचन आयोग से की है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की मांग की। जिसका में चुनाव में किए जो इलीगल वर्क हुए, जो आचार संहिता के खिलाफ काम हुए, उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। देखिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी काम कानून के तहत होना चाहिए। कई चीज सोशल मीडिया पे लोगों सबको मालूम है, वो सब हमने देखी। लोग तलवार लहरा रहे हैं, सब नहीं, जितने भी काम है वो सब गलत तरीके से हुए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती का अनावरण समारोह था, जिसमें आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे जिले में जगह जगह फ्लैक्स लगाए गए और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आगमन की खुशी में या शामिल होने की खुशी में युवाओं द्वारा मेन रोड पर हथियार लहराते हुए डीजे बजाए गए, जिसका कि वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस तरह खुलेआम आचार संहिता के दौरान हथियार लहराते हुए आम पब्लिक में अपनी धाक जमाना या फिर उसको इजाज़त फैलाना या जो भी आप कहें गलत है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है।